और उधर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दर्द छलक गया और उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत कैसे हुई ये हम ही जानते हैं, हमने बधाई देने वालों को भी रोका। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ एक तरह से ये जताने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि जो कुछ भी चल रहा है उससे वो खुश नहीं है, दुखी है, और यही वजह है कि नया साल उनका कैसे गुजरा ये बता नहीं सकते। इस बार तो ऐसा नया साल गुजरा वो हम ही जानते हैं, इसलिए कोई बात कहने की बात नहीं है। लोग बधाई भी देना चाहते तो मैंने उन्हें रोका। और वही प्रवासी सम्मेलन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री ने सपा में जारी सत्ता संग्राम पर जवाब देने से अपने को बचाया। उन्होंने कहा कि नेताजी के आशीर्वाद से उन्हें यूपी के सीएम के रूप में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूं ये समय ऐसा है कि समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, समाजवादी विचारधारा और कैसे आगे तक जाए। कम से कम जिस मुख्यमंत्री ने और समाजवादियों के आशीर्वाद से कम मौका मिला मुझे काम करने का, शायद उन्हीं का आशीर्वाद था जिसकी वजह से ये काम हो पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है। समाजवादी विचारधारा बड़े पैमाने पे लोगों ने संघर्ष कर करके समाजवादी सिद्धांतों को यहाँ तक पहुँचाया है। सर 6 दिन से हम जो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी जिम्मेदारी कोई है तो मैं जिम्मेदारी को निभाऊंगा।